हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप? बताइए। अच्छे होंगे, मजे से ही होंगे। सब मजे से ही रहना चाहिए, टेंशन फ्री। फ्रेंड, चलिए आज हम आपको बताते हैं घर में यानी होम में खुद से गरम मसाला और फिर फ्रेश तैयार करते हैं। क्या है, मार्केट में तो कुछ भी मिलावटी मिलती है, इसलिए हम घर पे ही तैयार करके और अच्छी मसाले हम अपनी रेसिपी में डालते हैं। तो चलिए उसकी कोई इंग्रेडिएंट जान लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये एक बड़ा चम्मच, बड़े चम्मच से एक चम्मच धनिया है, फ्रेश धनिया है, खड़ा धनिया। ये देखिए फ्रेंड, ये भी एक बड़ा चम्मच जीरा है, ये शाही जीरा है। ये देखिए, ये आधा चम्मच लौंग है। ये लगभग 10-12 हरी इलायची है। ये 3 बड़ी इलायची है। ये 2 जावित्री है। ये 2 स्टार फूल है। ये 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के। ये आधा चम्मच ब्लैक पेपर। अब चलिए, अब हम सबको हल्का सा गैस पर पेन में स्टोव गरम करेंगे। देखिए फ्रेंड, हम गैस जला दिए और पेन चढ़ा दिए। फ्रेंड, पेन को ज्यादा हीट नहीं होने दीजिएगा, हल्का सा हीट हो तभी सही होगा। चलिए फ्रेंड, अब हम इसमें अपना ये धनिया डालेंगे। फ्रेंड, अब इसको हाथ के उंगलियों की सहायता से चलाएंगे। फ्रेंड, आप ये सोच रहे होंगे कि ये हाथ क्यों डाली है, चम्मच से क्यों ना चाहे। फ्रेंड, इतना हमें गर्म करना है कि जितना हमारा हाथ इसका हीट बर्दाश्त कर दे। बस हल्का सा, मात्र 15-20 सेकेंड बस हो गया। अब इसको हम हटा लेंगे। चलिए फ्रेंड, गैस का फ्लेम मीडियम स्लो के बीच में रखिए। अब फ्रेंड, हम अपना ये जीरा डालेंगे। जीरा भी ऐसे ही करेंगे, उतना ही गरम करेंगे जितना यह हमारा ही हाथ इसका हीट बर्दाश्त करे, ज्यादा नहीं। बस हो गया, मात्र 10 सेकेंड। चलिए फिर अब एकदम स्लो आंच कर देंगे और हम अपना इसमें डालेंगे लौंग, हरी इलायची, बड़ी इलायची, जावित्री, स्टार और ये दालचीनी। अब इसको भी हाथ की सहायता से थोड़ी सी गरम करें, बस 3 सेकेंड। अब क्या करेंगे हम फ्रेंड, गैस बंद कर देंगे मात्र 3 सेकेंड में। अब इसको ये पेन के हीट से ही गर्म करने देंगे। पेन के हीट से गर्म हो जाएगा, बस हो जाएगा। अगर ज्यादा गर्म कर देंगे आप मसाले, उसकी गंध खराब हो जाएगी और टेस्ट भी नहीं आएगा। देखिए, बस 3 मिनट हमने गर्म किया और गैस बंद कर दी। अब हम इसको निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड, हम सब एक बाउल में निकाल लें फ्रेंड। और ये ब्लैक पेपर, इसको हम गर्म नहीं करेंगे, हम इसको इसी में डाल देंगे। अब चलिए इसको एक ग्राइंडर में, मिक्सर में पीस लेते हैं। फ्रेंड, इसको थोड़ा अच्छे से ठंडा होने दीजिए, पूरा ठंडा हो जाए तब इसको हम ग्राइंडर में पीसेंगे। चलिए फ्रेंड, हम ग्राइंडर में अपना मसाला पीस लिए हैं। अब हम इसको रोक रोक के पीसेंगे फ्रेंड, चलाएंगे। देखिए, रोक रोक के क्या है कि गरम, अगर एक ही बार में फुल चला देंगे तो मसाला जल जाएगा, इसलिए रोक रोक चलाएंगे। फिर इसको रोक रोक फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, हमारा गरम मसाला घर का एकदम बारीक पीस पीस के और ग्राइंडर में तैयार हो गया। अब फ्रेंड, इसको थोड़ा सा 10 मिनट ठंडा हो जाएगा, फिर हम एक कांच के कंटेनर में भर के इसको स्टोर करके रख देंगे। देखिए फ्रेंड, हम कांच के कंटेनर में भर के रख दिए हैं। फ्रेंड, इसकी जब हमने
ग्राइंडर में पीस लिया तो इसकी गंध इतनी अच्छी आ रही थी। गरम मसाले जो मार्केट से मिलते हैं उससे भी बहुत अच्छी और अच्छी इसकी स्वाद आती है अगर आप सब्जी में डाल के बनाएंगे। फ्रेंड आप घर पे ही बना के गरम मसाला यूज करिए, देखिए आपकी सब्जी खूब अच्छी और लाजवाब बनेगी। फ्रेंड अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें आप मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, तभी तो हम फिर एक नया वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू फ्रेंड, चलिए अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।